पूरे देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें वो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की प्रेरणा से सांगानेर के कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी सांगानेर में सुब्बा राव की पुण्यतिथि पर सद्भावना यात्रा निकाली, जो सांगानेर जनसेवा कार्यालय से शुरू होकर चौरड़िया पेट्रोल पंप से मालपुरा गेट से मुख्य बाजार में होते हुए CTS बस स्टैंड तक पहुंची, जहां रास्ते में व्यापार मंडल के शंकर आकड़, जयप्रकाश मसाला बाजार के व्यापारियों व आम लोगों द्वारा दर्जनों जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो जैसे देशभक्ति के नारे लगाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गांधीवादी विचार डॉक्टर सुब्बा राव की पुण्यतिथि पर आयोजित इस रैली में देश के कोने कोने से पधारे व सांगानेर के स्थानीय हजारों युवाओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। सांगानेर के कांग्रेस नेता और प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने इस अवसर पर बताया कि सुब्बा राव ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और सद्भावना के लिए समर्पित कर दिया। सुब्बा राव प्रख्यात गांधीवादी थे, जिनके विचारों को आज हमको समाज में घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे समाज में फैल रही नफरत खत्म कर एकता और सद्भावना आ सके। कांग्रेस ने शुरू से ही देश को, समाज को एकजुट रखने की कोशिश की है। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर। एकता और अखंडता को लेकर के आज इस सांगानेर विधानसभा में सद्भावना यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली है। आप देख रहे हैं देश प्रदेशों के, कई प्रदेश के यहाँ हजारों की तादाद में हमारे युवा भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय हमारे सैकड़ों साथी मौजूद हैं। आज जो देश के हालात है उनके अंदर भारत जोड़ो यात्रा और सद्भावना यात्रा का बड़ा महत्व है। मैं सभी यहाँ आए हुए साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.